वेरी गुड जैन. ओके सो स्टूडेंट क्या करना है, ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी होती हैं जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज मिलती हैं. जैसे आप अगर गौर कीजिए, अगर आप गौर कीजिए, ये x की वैल्यूज हमें 0 to 4 गिवन है, तो इन x की वैल्यूज से बच्चों हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज फाइंड करेंगे. अब 0 to 4 कौन सी वैल्यूज लेंगे, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज हो गई काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज हो गई. अब इन 5 वैल्यूज से बच्चों हम क्या करेंगे, इन 5 वैल्यूज से हम क्या करेंगे, y की 5 वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि हमारे पास 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, टोटल 5 पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास. वेरी गुड जैन, वेरी गुड, सही बता रहे हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं. बेटा एक मिनट में बता दूं, उसके बाद अनम्यूट करता हूं आपको. चलें जैन अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा. सर अगर हम ये 5 बॉक्सेस वाली ग्राफ बुक में बनाए, बन जाएगा ना ग्राफ. वेरी गुड, आपको बेसिकली पहले एक टेबल बनाने का मेथड मैं आज सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं. जो 5 वैल्यूज हमने निकालनी है उसको हम एक टेबल में पुट कर देंगे, करंट टेबल से देखते हुए पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और एक लाइन स्केच कर देंगे. मैं एक एग्जांपल, मैं y की वैल्यू दी हुई है, x की निकालनी है. x की वैल्यूज गिवन है बेटा हमें, x की वैल्यू 0 टू 4 गिवन है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, जी कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है बच्चों, मैं इनके लिए रिपीट कर देता हूं एक बार. ओके बच्चों, 6A में हमने क्या काम किए थे, मैं रिपीट कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है. 6A में बच्चों हमने क्या काम किया था, 6A में हमने पॉइंट्स प्लॉट करना सीखे थे कि हम ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने सीखा था कि हम फंक्शंस में से पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. पॉइंट का मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है तो वाई की कैसे फाइंड करेंगे, और y की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने सीखा था. आज हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे बच्चों, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है और हमें पॉइंट्स नहीं गिवन, हमें फंक्शन गिवन है. हमें क्या गिवन है बच्चों, फंक्शन गिवन. देखें 1 2 3 4 फंक्शन गिवन है, यानी कि 4 ग्राफ बनेंगे इसमें, लेकिन ग्राफ के लिए तो हमें पॉइंट्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इन फंक्शंस में से पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और हमें एक ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा हमें. गॉट इट. इस फंक्शन का पॉइंट टेबल कैसे बनाएंगे आसानी के लिए, मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूं. मिसाल के तौर पे, जी सारी ना बेटा क्वेश्चन पूछिए. सर जी, बिल्कुल बेटा, इनको अलग अलग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा, ये एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं होंगे. और सर इनका मतलब ये जैसे इन्होंने बोला है ना, each of the following functions of values from x from 0 to 4, तो हम लोग बिल्कुल 0 to 4 तक बनाना पड़ेगा, उसमें 1 2 और a जो फंक्शन है उसको सबसे करना पड़ेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. सब फंक्शंस की वैल्यूज जो है हम 0 to 4 ही पुट करेंगे, x की वैल्यूज चारों पार्ट्स में, जिससे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है सरीना, अब देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने टेबल कैसे बनाना है.
बच्चों में एक इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं। जब हमें फंक्शन से पॉइंट्स निकालने होते हैं ना बच्चों, तो हम इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में बच्चों हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे एक्स की वैल्यूज गिवन है तो वाई की एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाई की गिवन है तो एक्स की एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम इस बॉक्स की पहचान के लिए इसके ऊपर फंक्शन लिख लेते हैं, ये किस फंक्शन का बॉक्स है। हम अगर फर्स्ट पार्ट करें बच्चों, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x+8। एक मिनट बेटा सारीना, दो मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं अभी। y इक्वल्स टू 2x+8, गॉट इट? यानी कि हम इस फंक्शन का ये टेबल बना रहे हैं। टेबल बनाने का मतलब है हम पांच पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, हम x की कौन कौन सी वैल्यूज रखेंगे बेटा। उन्होंने 0 to 4 का है तो हम रखेंगे 0, 1, 2, 3 और एक और बॉक्स बनेगा। और ये कितनी वैल्यूज हो गई देखो, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है राबिया? आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि हम इस फंक्शन को लेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उस पर जो वाई के आंसर आएंगे वो हम बॉक्स में फिल करते रहेंगे। वो सोल्यूशन आपने इस तरह नीचे करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? सब बच्चे अपने पास ये बॉक्स बना लें। वेरी गुड सारीना, सब बच्चे अपने पास ये बॉक्स बना लें ताकि फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। वेरी गुड, शाबाश जी मोहम्मद हुसैन। बेटा पूछिए। सर ये ऐसा बॉक्स जो है मैं अपने ग्राफ में बनाना है ना? बेटा ग्राफ जो पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर के पीछे लाइंस भी बनी होती है कॉपी की तरह। यस सर। तो आप सॉल्यूशन सारा वहां पर करेंगे और जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना, यानी कि जो ग्राफ बनाएंगे वो आप ग्राफ पेपर पे ग्रिड्स पे बनाएंगे। यानी कि हमारे ग्राफ पेपर में एक साइड पे ग्रिड्स बनी होती है और एक साइड पे लाइंस होती हैं, जस्ट लाइक आर कॉपी, जस्ट लाइक आर नोटबुक्स। ओके सर, बनी हुई है। तो जितना मैथ्स का सॉल्यूशन है वो हम करते हैं नोटबुक वाले साइड पे, और जो हमारा दूसरा ग्रिड वाला फेस होता है उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्लियर है? आप कोशिश ये करें जो क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे हो उसी के सामने उसका सॉल्यूशन हो, तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। और मैंने आपसे एक्सरसाइज भी इसलिए शेयर की है ताकि आप एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर भी आराम से जान सकें, ठीक है? दिस एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। पार्ट 1 मींस ये पहला फंक्शन है। इस तरह के चार फंक्शन है बच्चों, ठीक है? अब मुझे आगे बताने दीजिए जल्दी से ताकि मैं फिर आपको इस क्वेश्चन एक तो कंप्लीट कराऊं। जी सारीना पूछिए बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। सर मैंने डिडिट एंटायरली जब उसको पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे हमें x की वैल्यू पता है इसके अंदर, जब हम y की करेंगे, जब हम y की भी पता लगा लेंगे, तो हम लोग ये जो 0 और जैसे यहाँ पे 8 आएगा, तो मतलब फिर हम दोनों को इनको ही प्लॉट करेंगे, जैसे 0 और 8, हम उसको बेटा पॉइंट काउंट करेंगे, हम x और y की वैल्यू को एक पॉइंट काउंट करेंगे, ठीक है? और फिर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास पांच पॉइंट्स होंगे। जब वो पांचों पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट हो जाएंगे बच्चों, तो हमें उसको ज्वाइन भी करना होगा। वी हैव टू ज्वाइन देम टू ऑब्टेन अ लाइन। ओके फिर सर जितने हमें वाई के पता लगेंगे, फिर उतने ही हम वन टेन सारे प्लॉट करते रहेंगे। जी बेटा प्लॉट करते रहेंगे हम लोग। समझे, ये चार क्वेश्चन है हमारे पास। सर जैसे फंक्शन दूसरा भी है हमारे पास, तो इसके अंदर भी हमें अपना अलग टेबल बनाना होगा, फिर इसका भी अलग प्लॉट बनाना होगा। वेरी गुड, वही मैं बता रहा हूँ कि ये अलग चार क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ईच पार्ट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड यू हैव टू मेक अ बॉक्स फॉर ईच पार्ट, ईच फंक्शन यू हैव टू मेक अ बॉक्स लाइक दिस ऑन डिफरेंट ग्राफ पेपर। सर मैं भी बता रहा हूँ बेटा, साजना भी बता रहा हूँ।
जी हलीमा पूछिए बेटा, आप क्या पूछ रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ जैसे हमने ये अभी ये लिख लिया, इसके नीचे अब हम इसको सॉल्व करके ये अब नीचे पूरा सॉल्यूशन होता रहेगा। नीचे बेटा 5 दफा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक दफा हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 दफा सॉल्यूशन होगा। जैसे अभी x की वैल्यू 0 है, फिर 1 करके ऐसे सॉल्यूशन होगा, और हम यहां वो उसका वैल्यू लिखते रहेंगे, आंसर आएंगे हम उनको लिख देंगे। वेरी गुड, ठीक है, बस ये करना है जी। लेकिन उसको फिर हमें ग्राफ पे प्लॉट भी करना है अली, मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ओके जी जैन बेटा, आप भी पूछ लें इस क्वेश्चन, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट करूं। सर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसा इस टाइप का होता है ना ग्राफ? जी बेटा ऐसा होगा, मैं ग्राफ के लिए भी बताऊंगा हमें क्या करना है। यहाँ पर ग्राफ के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक क्या होती है ग्राफ सिलेक्ट करने की, ग्राफ सेलेक्ट करने की ट्रिक क्या होती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है। नाउ वी हैव आवर ओन स्वीट चॉइस कि हम एक्सिस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ठीक है? जैसे आपने बनाया बिल्कुल सही बनाया, लेकिन इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड आपकी जाया जाएगी, उसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की जो वैल्यूज है बेटा हमें उसे पॉजिटिव वाली गिवन है, नेगेटिव वाली गिवन नहीं है, तो हमें नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है बेटा? मैं भी बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप है, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए रुक जाइए जरा आप, ठीक है? आप फॉलो करें साथ साथ। ओके बच्चों, ये तो हो गया क्लियर। जी जी जी, मुझसे आपको भी ऐड कर लेते हैं। मुझसे यू हैव ज्वाइन लेट, क्लास हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 12, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया बॉक्स वाला मामला। ये बॉक्स फिल कैसे होंगे आप सबको मालूम है कि हम एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, पहले शो कर देते हैं जब एक्स जीरो है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, एक्स की जगह ब्रैकेट बना देंगे प्लस 8, क्योंकि बेटा हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है? यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 0 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस 8 विल गिव यू 8। गॉट इट? सो व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 8। जो आपने बच्चों बॉक्स बनाया था, जो आपने बॉक्स बनाया था एक्स और वाई की वैल्यूज का, एक्स और वाई की वैल्यूज का जो आपने बच्चों बॉक्स बनाया था, जिसमें एक्स आपने 0 रखा है, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 8 आ रही है। ये पहला आंसर हो गया। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू अब कुछ और पुट करेंगे और y का आंसर कुछ और आएगा हमारे पास। x की सेकेंड वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1, 2 1s are 2 and 2 plus 8 will give you 10, so when x is 1 y is 10, when x is 2 y will be 12। जी हलीमा बेटा पूछिए। सर मेरा तो ये आ रहा है, हलीमा बेटा मुझे आपकी पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही है, मैं करवा रहा हूँ उसको, साथ साथ फॉलो कर लें आप, मैं भी बॉक्स फिल करवा रहा हूँ उसको, आप फॉलो कर लें। नहीं सर, मुझे जो एक्स की वैल्यू 0 वाले का आंसर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, 10 नहीं आएगा ना बेटा, 2 0 से 0 होता है, 2 0 से 0 प्लस 8 सर। हाँ तो बेटा 0 प्लस 8 विल गिव यू 8, Not 10. बेटा पहले हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा जी, और जब 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आंसर आएगा ना बेटा, 10 थोड़ी आएगा। ओके
तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स की वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं। बेटा अभी मुझे बताने दीजिए, उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा। जो हमारे पास बेटा फर्स्ट पार्ट का फंक्शन क्या था? जैन बेटा 2 मिनट रुक जाइए, जैन ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैन बेटा पहले देख लीजिए आंसर क्या आ रहे हैं। एक्स हमने रखा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो वाई के आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 0 पे आ रहा है 8, 10, रहेगा 12, रहेगा 14, रहेगा 16, ये आने चाहिए आपके पास। ये बॉक्स बनना चाहिए, मैं दोबारा क्लियर करके बना देता हूं। बच्चों ये पार्ट वन है क्वेश्चन नंबर वन का, 0, 1, 2, 3 एंड इन द लास्ट वी हैव 4, ओके। व्हाट आर द आंसर्स फॉर दीज वैल्यूज? द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0 इज 8, 10, 12, 14, 16। ये बच्चों आपके पास एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। अभी ये आधा काम हुआ है, अभी हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब आप देखें बच्चों जो x की वैल्यूज है वो 0 से 4 तक जा रही हैं, जो मैंने आपको बताया था ट्रिक में बताऊंगा। x की वैल्यू 0 से 4 जा रही है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही और कोई बड़ी वैल्यू नहीं आ रही, 1 till 4 बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। और y की वैल्यूज जो है वो 8 till 16 जा रही है, यानी कि इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं आ रहा। तो x एक्सिस का नेगेटिव साइड और y एक्सिस का नेगेटिव साइड बनाने की जरूरत हमें नहीं है, ओके। ग्रिड पे कितने सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट कहना है वो हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे कि यहां पर उन्होंने बताया है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर विल बी 1 यूनिट और y एक्सिस पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट नहीं होगा बच्चों, 2 यूनिट होगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा बच्चों ने इसलिए किया है क्योंकि हमारी y की वैल्यूज बड़ी आ रही हैं, वो 16 तक जा रही हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1 बोल देंगे तो हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा और हमारी वैल्यूज पुट नहीं हो पाएंगी, ठीक है बच्चों। अब मेरे साथ साथ जरा फॉलो कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सारीना बेटा 2 मिनट, आप बिल्कुल सही बता रही हैं सारीना, वेरी गुड। मैं असल में बाकियों को एक दफा गाइड कर दूं बेटा, उसके बाद फिर आप अपना जो है वो पॉइंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ मेरे पास ग्रेड तो नहीं है, तो देखो ग्राफ हम नॉर्मली बनाते हैं ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि हमें नेगेटिव एक्स बनाने की जरूरत नहीं है और नेगेटिव वाई बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे बच्चों अपना, जिसमें सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई होगा, तो हमें और ज्यादा जगह मिल जाएगी, यानी कि हमें ये साइड और ये साइड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी कोई वैल्यूज ही नहीं आ रही वहां पर। अब x एक्सिस पे उन्होंने क्या कहा है बच्चों, x एक्सिस पे कहा उन्होंने कि 1 सेंटीमीटर है 1 यूनिट के बराबर,
वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट। वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट, ओके। तो अगला वन सेंटीमीटर हो जाएगा टू, अगला वन सेंटीमीटर हो जाएगा। वाई एक्सिस पे ऐसा नहीं है बच्चों, वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या बताया कि जो वन सेंटीमीटर है, सारीना बेटा एक मिनट, दो मिनट रुक जाए बेटा सारीना, ऐसे बाकियों को समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट वाई एक्सिस पे क्या करना है हमें, वाई एक्सिस पे क्या करना है, वन सेंटीमीटर जो मैंने ये मार्क किया है इसको हमने वन यूनिट नहीं बोलना, इसको हमने बोलना है टू यूनिट। यानी कि फिर जो अगला वन सेंटीमीटर होगा वो थ्री नहीं होगा बल्कि वो क्या हो जाएगा फोर, और उससे अगला क्या हो जाएगा सिक्स। ये बात समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसको गौर से देख लीजिएगा। जी हलीमा बेटा पूछिए क्या पूछना है। सर मुझे ये नहीं समझ आया, हम लोग y एक्सिस में, मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 यूनिट ऐसा होगा कि दो लाइन मार के फिर 2 लिखना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो जो उन्होंने कहा ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 बॉक्स, ठीक है, और यूनिट्स का मतलब है कि उसको वैल्यू क्या देनी है। 1 बॉक्स को 1 वैल्यू देनी है आपने x एक्सिस पे, लेकिन 1 बॉक्स को 2 वैल्यू देनी है, 2 यूनिट्स देने आपने y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि y की वैल्यूज बड़ी है। देखो जो मैंने अभी ग्राफ बनाया बच्चों आपके सामने, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, इसके अंदर बेटा अभी भी क्या मसला है, इसके अंदर जो y की वैल्यूज है वो 6 तक आई हैं, ऊपर तो आई नहीं वैल्यूज, है ना। और जो हमने टेबल बनाया है उसमें y की वैल्यू तो स्टार्ट ही 8 से हो रही है, y की वैल्यू तो स्टार्ट ही 8 से हो रही है जी। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि हमारे पास बड़ी वैल्यूज कवर हो जाए। अगर हम इसको 1 देते फिर तो 8 बहुत ऊपर जाके आता, ठीक है। अब अगर मैं इसके एक दो पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाऊं आपको तो कैसे प्लॉट होंगे, जी जैन बेटा पूछिए। पूछिए बेटा जैन क्या पूछना है आपने। सर मैं बोल रहा हूँ हम जो ये 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से नहीं तो डायरेक्ट 8 से कर लेते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम ऐसा होता है लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर 0-0 होता है। अभी हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो उन्होंने गिवन दिए हमें। अब व्हाइट बोर्ड पर मैं बना रहा हूँ अपने पास एक ग्राफ जिसमें सिर्फ मैंने एक्स लिया है और सिर्फ पॉजिटिव वाई लिया। बच्चों मैंने नेगेटिव वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, इससे हमारा ग्राफ की लिमिट कम पड़ रही थी। अब देखो हमने एक मिनट हलीमा बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा आपको। यह है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को एक्स एक्सिस पर हमने क्या बोलना है, 1 यूनिट बोलना है। अरे सारीना जी बेटा बताइए, सारीना ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी बेटा मेरी बात, टाइम खत्म हो जाएगा मीटिंग का। पूछिए। जी बेटा इससे फायदा होगा हमारा ना, क्योंकि हमें फिर पॉजिटिव ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा सर, और आपने जैसे इसमें लिखा हुआ था 2 यूनिट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पे, तो जैसे यहाँ पे हमने 0 से लेकर 2 पे कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लॉक्स में छोटे से ब्लॉक्स होते हैं उनको छोड़ छोड़ के हम लोग बिल्कुल से 16 तक चले जाए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब उन्होंने हमें ना बताया हो, अभी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को ही 2 बोलना है, ठीक है, अभी उन्होंने बताया हुआ है तो हमें इसी को फॉलो करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 सेंटीमीटर 2 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन।
और 4 सेंटीमीटर 4 हो जाएगा और यहां पर 0 होगा हमारे पास। इसी तरीके से y पे जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होगा बच्चों, वो 1 नहीं होगा बल्कि उसको उन्होंने क्या कहा है, कितना बोलना है, 2 यूनिट्स। अगर पहले को 2 बोला है बच्चों तो नेक्स्ट को 3 नहीं बोलेंगे, अगले में भी 2 का गैप आएगा। 2 से 2 का गैप बनाएं कितना बनेगा, अगर फर्स्ट वैल्यू हमने 2 ली है तो सेकंड वैल्यू में 2 और ऐड करें तो 4 आएगा, अब नेक्स्ट वैल्यू में 2 और ऐड करें तो 6 आएगा, नेक्स्ट वैल्यू में 2 और ऐड करें तो 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा। गॉट इट? अब पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करना शुरू करूं, जो ब्लॉक में आए थे हमारे पास, पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास आया था, पहला एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या आया था बच्चों, एक्स हमने रखा था 0 और वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 8। हमें 0.8 प्लॉट करना है, मैं ग्रीन से प्लॉट कर रहा हूं। जी मुसैब बेटा पूछिए। जी जी मुसैब कर रहा हूं बेटा, अनम्यूट कर रहा हूं। जी बेटा पूछिए, अनम्यूट कर लें। बेटा ये तो फंक्शन है ना, 6a में हमने देखा था कि फंक्शन जो गिवन होता है उसमें से पॉइंट बनाते हैं हम। अब हमें एक पॉइंट नहीं बनाना, हमें 5 पॉइंट बनाने से हमने पूरा टेबल बना लिया। अब टेबल में कौन कौन से पॉइंट्स मिले हम वो लिख रहे हैं यहाँ पर, वो हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। अगर देख लें, पहले 0.8 प्लॉट करना है बच्चों। कैसे प्लॉट करेंगे 0.8, कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स पे 0 चलेंगे और वाई पर 8 चलेंगे, तो यहीं पर आ गया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहीं आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास 1.10, हमें ये प्लॉट करना है बच्चों। 1.10 कहाँ प्लॉट होगा, जहां पर एक्स 1 होगा और y 10 होगा। x 1 यहां पर है हमारे पास और y 10 हमारे पास यहां पर है, ऐसे ये आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट बच्चों। बच्चों आप लोग बीच में अगर वो करते रहेंगे तो मैं मेरा पेन लिख नहीं पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट कर लें, मुझे बनाने दें, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा मुझसे। मेरा पेन टाइप नहीं कर पा रहा बेटा क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार। फर्स्ट पॉइंट इज 0.8, वो यहां पर आ गया। अब यहां पर y एक्सिस पे 1 वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 1 नहीं बल्कि बोलेंगे 2, तो सेकंड वैल्यू को कहेंगे 4 6 8 10 12 14 16 18।